तो मेरी YouTube फैमिली अलग रहा, तरह बस्तरा बाद रहे शाद रहे। तो आज की वीडियो जी शुरू करते हैं। सबको सलाम, सबको प्यार, सबको मोहब्बतें, और दिलबर बाबर और हमजू और शहबाज, मैं और भाई अल्ताफ भाई सब कहाँ गए, जा रहे हैं। तो देखिए आज हम कहाँ जाते हैं और आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे। समंदर के यानी किनारे जाना है आज हम लोगों ने भाई। तो सितारा बेटी के लेने कल मैं क्यों नहीं गया वो भी बताऊँगा, और विकेश सितारा पर जो हुआ किसका हाथ है वो भी बताऊंगा, और भाई मेरा भाई गुलाम मोहम्मद कमज़ोर क्यों हो रहा है वो भी बताऊंगा। ज़रूर मेरी वीडियो आखिर तक एंड तक देखिएगा। चाचे के साथ जैसे प्यार कर रहे हैं, थैंक यू यार आप लोगों का, बहुत प्यार कर रहे हैं, अल्लाह भी हो गया भाई मेरे छोटे बड़े बुज़ुर्गों को, बच्चियों को, बड़ों को और बहनों को, माओ को सलाम हो गया चाचा की तरफ से। तो आज मेरी वीडियो पूरी देखनी है भाई आप लोगों ने। यहाँ पर आ चुके हैं बहुत बड़े व्लॉगर मेरे यहाँ, बस बहुत बड़ी बात है भाई। छोटा अच्छा, बहुत बड़े व्लॉगर हैं भाई जी। मुझे 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 जो है ना इधर दर्द है पूरा मेरा, जरा मुंह सूजा हुआ है, वही निकलवा तो दो, मैं तो आपके इंतजार में था। ना अभी मैं कहता हूँ अभी आप चाचू को ले जाए दिल्ली कॉलोनी में, दांत जो है ना निकलवा दे, जान छोड़। तो रहे अरे दांत नहीं है रे भाई, अरे दाढ़ है भाई, दाढ़ है, दांत चेनी थोड़ा रख के दिखते हैं और निकल आएगा। छोड़ो यार क्या होता है, डॉक्टर के पास जाना है, ऐसे वो नखरे करेगा, इधर घर पे काम हो जाएगा। शाबाश आपका, घर में बड़ो यार, आप मेरा इलाज कर रहे हो या मुझे मार रहे हो? जब दाढ़ी नहीं होगी तो बात ही खत्म, कहानी खत्म। नहीं यार क्या छोटी, अच्छा भी मुझे जिंदगी, अच्छा भी मुझे पूछने आए ये तो यार, में दर्द है। सारा बेटी को लेने गए थे और सारा सेलिब्रेशन अकेला इन लोगों ने किया, लेकिन मुझे कमरे से बाहर उठने की फुर्सत ही थी, लेकिन अभी मेरा पूछने है, पता नहीं मेरा इलाज करने है या कुछ। हम आपका इलाज भी करेंगे, छेनी तोरे के साथ 5 बजे का पास ले आओ, तो क्या कहते हैं सर जी, छेनी तोरा फिर ये जरा टक टक कर ले, अभी चाचू का काम तमाम कर दे बस, अभी चाचू को आप रस्सी वस्सी ले आओ, पहले बांधते हैं छेनी तोरे से। यार ये क्या कर रहे हो, आगे पीछे होगा तो। अरे मैं भी सब को, मैं पूरी कराची को बुलाऊंगा जैसे तो लोग करेंगे तो शूट करता रहेगा। चलो वो आप रख लेना बाद में जब बोलने के लिए, वो इनके मैनेजर भी है, वो अच्छी मैनेजर। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, चलो जी ये जो काम खराब कर रहे हैं पूछने क्या है कि बस हमारा दांत ही निकाल रहे हैं खुद। चलो यहाँ पर अल्ताफ भाई ने बनाया क्या फिश और दाल की और ये, और भाई आप खाएं, मुझे तो दाढ़ में दर्द है भाई। नहीं जी हम साथ मिर्ची खाएंगे, दिलबर भाई है, पता नहीं दिलबर दिलबर भाई भी डैट डैटिंग पर है, मैं डैट ये नहीं खाएंगे, और आप खाएं, मुझे तो दाढ़ में दर्द। नहीं नहीं ये 200 साल देने में कैसे खा सकते, चाचा बोल ऐसे खाएगा सब। चलो मैं एक नहीं नहीं ऑफ कैमरा नहीं, मैं खाता हूँ पर आज माशाल्लाह सब एक साथ है। अभी यहाँ से सब हम तैयार हो चुके हैं, और अल्ताफ है और हमजा है और शबाज, और ये इसको देखें जी, ये इस बंदे को देखें, कल से मुझे दाढ़ में दर्द है और पूछने नहीं आया। हम ख्वाब है कि आपको दाढ़ में दर्द है यार, बस आपने कोई मैसेज किया किसी को बताया हो कि भाई उसको जाके बोलो तो चाचा के दान में, मैं तो कल आपसे मिला था आपने कुछ भी नहीं बोला यार, रात को है ना कल दिन को हुआ। अच्छा शबाज को मैंने कहा, कॉल की, कहते हैं हम तो दूर चले गए। तो अपने जो बेटे है अपने जो जानने वाले उनको बोलते हो, हमें थोड़ी बोलते हो, कैसे भाई सही बात है ना, सही बात है, सही है कैसे सही है, ये तो इल्ज़ाम है हमजा, ये तो इल्ज़ाम है ना, नहीं इल्ज़ाम है ना मुझ पर, नहीं हाँ नहीं है, है इल्ज़ाम, अब बाबा जान इल्ज़ाम दे रहा है मुझ पर, नहीं है दर्द भी मुझे, इल्ज़ाम भी ये दे रहा है। एक साथ जा रहे हैं जोड़ी,
जिसकी आज इंतजार हम थे क्या हाल है भाई। ये रहे हमारे कदीर भाई जो स्टेशन पे हमारा वेट कर रहे थे। सर यहाँ से ट्रेन की करना चलो जी आगे चलते चलते चलो प्यास लगी पानी ले रहे हैं और यहाँ पर ये भी रुके देखते हैं उसके बाद जी चल रहे हैं ऊपर। अरे कैसे मजा आ रहा है जाने में? मजा आ रहा है उस्ताद, दिल कर कर हो रहा है। अच्छा चलो जी ये जहाँ के भी ये नज़ारे हैं कुछ ये रुक रहे हैं और ये सब परेशानी लेके फिर आगे चल रहे हैं। कदीर भाई भी है और ये भी है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग हंसते रहें बसते रहें आबाद रहें शाद रहें सदा मेरी दुआ है सबके लिए। तो जी मुझे दार में बहुत दर्द है और मैं सबसे इल्तिजा करता हूँ भी दुआ करें दर्द तो कम हो जाए भाई। तो खैर जी मैं कल इसी दर्द की वजह से इस तारा बड़ी के पास भी नहीं जा सका क्योंकि मेरे पास एक तो सवारी नहीं है अभी दिलबर लेने के जाना था और दिलबर साहब ने मतलब वहाँ भी गाड़ी पर गए और ऐसे भाग दौड़ में वहाँ रह गए और मैं नहीं जा सका। शबाज और बाबर भी चले गए थे। तो खैर मुझे दर्द था टैबलेट खाई और रात 2-3 बजे रात तक मैं घंटे घंटे बाद टैबलेट खाता रहूँ और अब थोड़ी सी सूजन कम हुई आपको नज़र आ रही होगी। ये देखे ना ऐसी है ये अगर ये देखें इस साइड को देखो तो कुछ नहीं है इस साइड को देखें तो है। तो खैर जी अल्लाह ताला सबको खुश रखे हंसता बस्त रखे आबाद शाद रखे। तो जी अब केस की बातें हो रही हैं इस तारा बेटी पर वो केस की थोड़ी जी आपको बता दूँ कि भी ये सब सऊदी अरब वालों की मेहरबानी है जो उमरा कर रहे हैं अभी तो उनकी मेहरबानी है जो अब केस अगर समेरा आज किया हुआ है तो सऊदी अरब वालों की मेहरबानी है सब उन्होंने केस कराया हुआ है। खैर जो नसीब में होगा वो देखा जाएगा अल्लाह साथ है इस तारा बेटी के साथ। तो ऐसा गलत किसी के साथ नहीं किया कोई ना उसकी गलत कोई वीडियो है ना कुछ है। अच्छा तो अभी माफ़ी तलाफ़ी भी वो नहीं मांग रही तो ना ही मांगेगी कहीं ठीक है जो होगा कोर्ट में देखा जाएगा। तो अल्लाह वारिस है आप सबकी दुआएं साथ हैं इस तारा बेटी के साथ। तो भाई उदय सवा बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है मुझे मंजूर खुदा होता है। तो भाई माफ़ी शाफ़ी तो किसी से इसने मांगनी नहीं है तो मेरे अल्लाह से किसी इंसान से कोई माफ़ी नहीं है और ना इस तारा बेटी आज मांगे नहीं कल माफ़ी मांगेगी। हाँ जब कसूर ही नहीं है भाई बाकी जो है कोर्ट में जो होगा देखा जाएगा वकला होंगे उनकी तरफ से भी इस तारा बेटी की तरफ से भी देखे जाएंगे। तो बहरहाल ये जो केस कराया गया है ये सब सऊदी अरब वालों की मेहरबानियाँ हैं असगर साहब और मेरी बेटी सलमा साहब वालों की उनकी मेहरबानी है। ये फूलों का हार उन्होंने इस तारा को पहनाया है तो भाई फिर वो माफ़ी भी देखे ना किन की तरफ से केस है क्या हुआ और माफ़ी तो भी नहीं मांगेगी ये। तो बाकी अल्लाह कराम करे आप सब दुआ करें तो अच्छे जैसे सेलिब्रेशन हो रहे हैं और खुशी दिखा रही है इस तारा बेटी तो थोड़ी थोड़ी इस खुशी की वजह से भी लोग जल रहे हैं जो जलने वाले जो मोहब्बतें करने वाले आप जैसे लोग हैं इस तारा फैमिली यासीन फैमिली को चाहते हैं तो भाई उसने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। खैर अभी देख रहे हो कि कौन उधर पलट रहा है उस साइड और सितारा की तरफ कौन है और सलमा की तरफ कौन है ये देखते जाएं आप। इस केस में और भी कुछ झंझट आएंगे दुश्मन सामने आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको सब नज़र आ जाएगा किस किस ने पासा पलटा हुआ है। तो बस इस केस की मेहरबानी छानबीन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जी मेरे अपनों की तरफ से है सलमा बेटी की तरफ से ये फूलों का हार पहनाया गया केस वाला जो अदालत में केस चल रहा है जो कुछ भी होना है ये इस तारा बेटी की तरफ जो कुछ भी हो रहा है इस तारा के साथ केस की तरफ से डिफेम करने की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है अब तक। तो खैर अल्लाह वारिस है तो अब सब दुआ करें अल्लाह ताला इस मुसीबत से भी जान छुड़ाएगा जल्द इस तारा बेटी की अल्लाह ताला। तो मेरी तबीयत मेरी बिल्कुल ख़राब है ज़्यादा बात नहीं हो सकती तो इंशाल्लाह। अच्छा तो जी वो मेरी बेटी नजमा भी कह रही थी कि मैं
भी क्या खाया क्या पिया, अब्बू की तबीयत ख़राब रहेगी तो ये सबको पता था, यही तबीयत ख़राब थी तो अब्बू को चाहिए था मेरे भाई को, तो सलमा को कहता भाई मैंने मक्खन भी खाया है, मैंने साग भी खाया है, मैंने हर चीज़ खाई है, और पहले उसकी खांसी यानी सांस की तकलीफ़ होती है उसे, ये घी मक्खन जो वो कह रही थी सलमा बेटी, वो अगर वो मक्खन से अगर वो खाती तो पहले उसकी खांसी और सांस की तकलीफ़ घी से बढ़ती है, तो यानी अच्छी खुराक बता रही थी, भी आपने मक्खन भी नहीं खाया होगा तो बेटे आप खिला दें सऊदी अरब में, आपके पास मेरे ख्याल में आए होंगी कोई भैंसे बकरियाँ वगैरह या कोई गाय तो आप खिला दें, आप मोटा कर दें, उसे सांस की तकलीफ़ है ये भी ख्याल करना, घी खाएगा तो सांस की तकलीफ़ और खांसी बढ़ जाएगी, ये भी ख्याल रखना चाचे को मोटा करने में। तो सितारा बेटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खैर आप अगर घी खिलाना चाहती हैं तो ख्याल से खिलाना, उसे दमे की तकलीफ़ है और सांस की तकलीफ़ दमा जिसे कहते हैं वो बढ़ती है इससे, क्योंकि मेरी वाइफ को है मुझे पता है, तो आप ऐसे नहीं कि घी खिला दें मेरे भाई गुलाम मोहम्मद को और सांस बढ़ जाए, तो ख्याल करना घी मत खिलाना मोटे के चक्कर में, आप फ्रूट खिला दें अगर आपको इतना प्यार है चाचा के साथ तो। खैर जी मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। और सितारा बेटी की तरफ मैं क्यों नहीं गया ये आप लोगों को बता दिया, फिर बताता हूँ भी आप, या कल अपडेट थोड़ी सी है वो आपको देनी है, वो कल दूँगा इंशाल्लाह।